काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और कमलनाथ के मुश्किल थमई के नाम नहीं लेती लगा ही शुक्रवार का उनके विश्वस्त साथी के द्वारा भाजपा के सदस्यता ले लेंगे। जानकारी के मुताबिक सांसद नकुलनाथ के खराब व्यवहार कईक कांग्रेस इनके पार्टी छोड़े की बड़ी वजह बना है। कमलनाथ के बेटा के व्यवहार के कारण करीब 500 से अधिक कांग्रेस इनके द्वारा पार्टी छोड़ दी गए। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में पूजा अपना पंचे सबजन का प्रणाम करी थे, शुरू करी थे। बड़ी खबर से बता दें कि इसे पहले कमलनाथ के बेहद करीबी दोस्त दीपक सक्सेना घर इस्तीफा दे चुके हैं। हम पर कमलनाथ के आग्रह पर फिलहाल वो रुके हैं, लेकिन अपने बेटा का जरूर भाजपा में भेजे में कामयाब हो गए। छिंदवाड़ा की राजनीति में बता दें कि सब कुछ ठीक चलन नहीं लगा है। एक के बाद एक कई कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ और नकुलनाथ अगर यह हाल रहा तो अकेले रह जाएगी। छिंदवाड़ा के राजनीतिक जानकार बतावा था कि कांग्रेसी मां नकुलनाथ के व्यवहार के कारण असंतोष है और एक के कारण 500 से ज्यादा कांग्रेसी भाजपा में जा चुके हैं। 21 फरवरी का सीएम के सामने पांडुर्णा नगर पालिका अध्यक्ष समेत 55 कांग्रेसी के द्वारा कांग्रेस छोड़ देंगे। फिर नगर निगम के 7 पार्षद भाजपा में आएंगे। सबसे बड़ी टूट पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के इस्तीफा रहा, जिनके पुत्र अजय भाजपा में शामिल हो गए। सूत्र के मुताबिक अजय के यह कहा है कि नकुलनाथ के व्यवहार अपने लोगों के प्रति ठीक नहीं आए। कमलेश के द्वारा कहा गया कि नकुलनाथ आदिवासी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्तन के अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस में रह के अमरवाड़ा के विकास कर अब संभव नहीं रहेगा। वो डबल इंजन के सरकार के साथ क्षेत्र के विकास करे और आदिवासी समाज के समस्या के निराकरण करे खातिर भाजपा में शामिल भी हम। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा के द्वारा चौराई परासिया पांडुर्णा और सौसल विधानसभा से जीत हासिल कर ली गई रही। पर जो नारदेव अमरवाड़ा छिंदवाड़ा में कांग्रेस भारी मत से हारी। ये चुनाव में कांग्रेस के नकुल विजयी भी कमलेश के प्रतिष्ठा के चलते अमरवाड़ा में नकुल के द्वारा सबसे ज्यादा वोट से लीड लीन गए। बता दें कि कमलेश शाह अमरवाड़ा के हररई तहसील के पूर्व राज परिवार से जुड़े हैं। पिता उग्र प्रताप शाह और दादा राजा रह चुके हैं। कमलेश 2013, 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से विधायक चुने। पूर्व राज परिवार की वजह से क्षेत्रीय आदिवासी में खासा दखल है। भाजपा भले यहां दूसरे स्थान पर हो पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहां तीसरे स्थान पर रही है। सजग रही, सतर्क रखिए आप और अपने परिवार के। बहुत ख्याल दे, इजाजत, प्रणाम।